वाले हैं, उनके लिए कोई फ्रूट मंगा लो, माँ जी से को दो तीन अच्छी डिशेस तो बना दे। हम तुम्हारे पापा के नौकर नहीं है क्या? और नहीं तो क्या, वो कौन सा पैसे लेके आ रहे हैं? तुमसे मिलने आ रहे हैं, तुम जाओ खाना बनाओ उनके लिए। लेकिन नबीर खाना तो माँ जी बनाती हैं। अब नहीं बनाएंगी। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, मैं खाना बनाऊंगी। तो मत बनाओ, तुम्हारे पापा अगर 2 घंटे से ज्यादा भूख बर्दाश्त कर सकते हैं तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो रात का बचा हुआ भी खा लूं। ये तुम्हें हो क्या गया है आज? जबान मत चलाओ, चलो जाके किचन में खाना तैयार करो। आई ईट यू। ओके, ये हुई ना बात, अब आने दो इसके पापा को। माँ जी। हाँ जी मेरे पुत्र जी। इससे जरा घर की सफाई भी करवा लीजिएगा। चल भाई जमादार सफाई शुरू कर दे। ओ माँ जी, इनसे नहीं, मेरी बीवी से घर की सफाई करवानी है। लेकिन घर तो साफ है पुत्र। ओए तो घर गंदा होने में कितनी देर लगती है मोमो? चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं ये है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी भले, उस बार निकलते हैं। यार बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए। यार नबील की कब आएगा तुम्हारा ससुरा? यार मैं वो सब आ जाएंगे यार। ओए नबील देखो कौन आया है। कौन आया? अरे भाई मैं आया हूँ। इस वक्त मैं और महमूद साहब जरा जरूरी बात कर रहे हैं, आपकी बेटी अंदर है, उसे जाके वहाँ मिल। हैं? और प्लीज उसे डिस्टर्ब मत कीजिएगा, काम कर रही है वो। ओ नबील ये तुम मेरे से कैसे बात कर रहे हो? ओ यार जाएं आप जाएं, चलें, जरूरी बात कर रहे थे, आपको पता नहीं है, चलें चले यहाँ से। और तले तले चलें, जाएं ना जाएं। हाँ तो महमूद साहब आप क्या कह रहे थे? वो मैं कुछ भी नहीं कह रहा था। वेरी गुड महमूद साहब, वेरी गुड। वेल डन नबील, वेल डन, बल्कि 1 2 3 4 5 गुड। महमूद साहब ओवर ना हो ज्यादा। खूबसूरत क्या है? खूबसूरत कहाँ? मैं यहाँ बैठी हूँ। अरे मैं आपका नहीं पूछ रहा, अपनी बेटी का पूछ रहा हूँ। मैं भी आपकी बेटी के बराबर तो हूँ, पूछे आप हैं। अरे मेरी बेटी खूबसूरत कहाँ है? मैं भी यही कहती हूँ कि आपकी बेटी खूबसूरत कहाँ है? खूबसूरत तो मैं हूँ। अरे मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, मुझे बताएं कि खूबसूरत कहाँ है? एक बात तो बताएं ना आप, आपने अपनी बेटी का नाम खूबसूरत क्यों रखा है? मैंने नहीं, उसकी माँ ने रखा था। तो उसकी माँ की उर्दू कमजोर थी? नहीं। फिर आंखें? ओह खूबसूरत। पापा मैं इधर हूँ किचन में। क्या खूबसूरत? पापा आई एम सॉरी, मैं आपसे मिल नहीं सकती, मेरे हाथ गंदे हैं। मेरी बच्ची ये तुमने क्या हाल बना रखा, और ये तुम किचन में क्या कर रही हो? अभी तो बर्तन धो रही हूँ और साथ साथ आपके लिए खाना बना रही हूँ। अरे खाना तुम क्यों बना रही हो? तुम्हारी सास क्यों नहीं बना रही? वो आराम कर रही है और मैं सुबह से काम कर रही हूँ। इन लोगों ने तुम्हें नौकरानी बना के रखा हुआ है? हाँ पापा, मुझसे बड़ी गलती हो गई जो मैंने ऐसे आदमी से शादी की। अरे उनकी ऐसी की तैसी, उन्होंने मेरी बेटी के साथ किया कैसे, अभी बताता हूँ। पापा पापा, आप जमीन पे क्यों लेटे हुए हैं? लेटे हुए नहीं है नबील, गिरे हुए हैं। खूबसूरत तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपने पापा को गिरा हुआ कहते हुए। नबील उठाओ इन्हें। महमूद साहब जाए क्रेन लेके आए। यार पैसे दो। खूबसूरत 10,000 रुपया दो क्रेन के लिए महमूद साहब को। शर्म आप नबील, तुम इससे बात करो खूबसूरत, वरना तुम्हें अपने पापा को अकेले उठाना पड़ेगा। क्या? नहीं आई एम रियली सॉरी नबील, मुझे माफ कर दो, आप उठाओ ना इन्हें। आए महमूद साहब। हां जी कलमा शहादत। पापा जी नहीं सोफे। और ये केले के छिलके जमीन पे किसने फेंके थे? इतनी गंदगी हो रही है इस घर में। अरे जब आप नौकरानी रखने के लिए पैसे नहीं देंगे तो फिर घर में सफाई कौन करेगा? तुम लोगों ने मेरी बेटी को पहले ही नौकरानी बना के रखा हुआ। कितने लाड और प्यार से पाला था मैंने अपनी बेटी को,
सोने का चम्मच लेकर पैदा हुई थी। ये कैसे हो सकता है? हाँ, मेरा मतलब है कि पैदा होते ही सोने का चम्मच लिया था इसने मुंह में। तो वो चम्मच ये जहेज में क्यों नहीं लेके आई पापा जी? तुमने क्या करना था? मैंने दवाई पी थी उससे महमूद साहब। तुम लोग मेरी बेटी पर जुल्म कर रहे। अगर आपको अपनी बेटी का इतना ही ख्याल है तो हमारे पैसे बढ़ा दें, हम उसमें से 2000 मुलाजम रख लेंगे। क्यों महमूद साहब? हाँ भाई, ये एक दो गाड़ियाँ भी ले लेंगे। आपको थोड़ी सी परवाह भी है अपनी बेटी की? सुबह बच्चों को स्कूल छोड़ने जाती है पैदल, मेरा दिल खून के आंसू रोता है। क्या? मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप पैसे बढ़ा रहे हैं? तुम लोगों ने जो कुछ करना था कर लिया, अब मैं करूंगा। आप क्या करेंगे पापा जी? आज के बाद तुम लोगों को एक रुपया नहीं मिलेगा, और जो जो मैं भेजता था वो भी बंद। अगर तुम लोगों ने इस घर में रहना है तो खुद किराया देना पड़ेगा, वरना सड़क पे जाके रहो। सोच लीजिए, आपकी बेटी भी हमारे साथ सड़क पे जाएगी। मेरी बेटी और इसकी बेटी जाएंगे मेरे घर, और तुम लोगों को मिलेगा कोर्ट का नोटिस। चलो चलो खूबसूरत कमरे में। चलो कह रहे हैं तुम इधर ही रहो। अच्छा अच्छा यार महमूद साहब, ये भी आपका आइडिया था? अरे मुझे क्या पता था कि मेरा आइडिया फ्लॉप हो जाएगा। इंतहाई घटिया आइडिया था आपका। जो पैसे आ रहे थे वो भी बंद हो गए। पुत्र अब हम लोग क्या करेंगे? पैसे किधर से आएंगे? ओ माँ जी मुझे सोचने तो दें यार। तेरे सोचने से पैसे आ जाएंगे? ओ माँ जी खुदा का वास्ता 2 मिनट चुप कर दें बस। मैं कोई आइडिया दूं? आप अपना आइडिया अपने पास ही रखें यार। अरे एक आइडिया फ्लॉप हुआ है ना, अभी तो मेरे पास बहुत से आइडियाज हैं। तो आपने मुझे तो कभी दिखाया ही नहीं। और तुम तो चुप करो मोमो। नबील मेरा आइडिया सुनो। आइडिया चलेगा ना? अरे चलेगा क्या, दौड़ेगा। है हाँ, तू देखता जा। अरे आप सबसे पहले पेपर्स तैयार करवाएं और इनको नोटिस भेजें। सुन लो, छुप छुप के सुन लो, जब जेल की हवा खानी पड़ेगी ना फिर पता लगेगा। अबे चाहता कहाँ है? अरे कौन हो तुम लोग? तुम्हें क्यों बताया कि हम लोग किडनैपर जाएंगे उस्ताद? अबे चुप कर यार। नबी नबी महमूद साहब मेरे कानों पे हाथ रखें यार, ताकि मैं कसम खा सकूं कि मैंने पापा जी की आवाजें चीखे नहीं सुनी। और तुम मेरी आंखों पे हाथ रखो, मैं भी कसम खा सकूं कि मैंने देखा ही नहीं है। ठीक है आ जाओ। महमूद साहब ये तो चश्मा है, आंखें किधर है आपकी? अबे अरे बस तुम हाथ रखी रखो, मुझे कुछ नहीं नजर आ रहा। नबी अबे जल्दी से सब बेहोश कर, ये फिसल रहा है। आज कैसे बेहोश करूं? अबे से क्लोरोफॉर्म सूंघा। वो तो मैं लाई नहीं उस्ताद। अबे क्या कह रहा है यार? हाँ उस्ताद, 600 रुपए का मिलना था, तुमने सिर्फ 200 रुपए दिए थे। अबे तो बेहोश कैसे करें से? उस्ताद अगर इसे बेहोश कर दिया तो उसको लेके कैसे जाएंगे? अबे तो हम क्या करें उस्ताद? गुदगुदी करूं? अबे नहीं यार, मुझे हफ्ते का कोई वोट नहीं है, वैसे टेंशन बहुत है। उस्ताद इसे गुदगुदी करूं? नहीं नहीं मुझे गुदगुदी मत करना, मैं मर जाऊंगा। तो फिर चुपचाप हमारे साथ चल, नहीं तो मैं गुदगुदी करूंगा। नबी 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 खूबसूरत, अरे तुम्हारे पापा अगवा हो गए। जानू पापा जी को ले गए लोग। नबील मेरे पापा अगवा हो गए, प्लान ही ऐसा था। माँ जी जानू मैंने बड़ी कोशिश की बचाने की पापा जी को, मैं तो अपनी जान पे खेल गया जानू। हाँ जानू ने मुझ पे गोलियां भी चलाई। क्यों महमूद साहब? अरे तो जो मैंने किया वो भी तो बताओ ना इसे। हाँ जानू गोलियां चलते ही महमूद साहब घास पे लेट गए थे। नबील अब हम पापा को कहाँ ढूंढेंगे यार? पता ढूंढने की जरूरत नहीं है, उनका फोन आएगा ना। फोन क्यों आएगा? तुम्हारे पापा ने फोन नंबर दिया होगा, फोन तो आएगा। फोन आ गया, फोन आ गया, फोन आ गया, फोन आ गया। तुम्हारे नंबर पे कॉल क्यों की है? जानू वो जानते हैं कि मैं अपनी जान दे दूंगा लेकिन उन पर आंच नहीं आने दूंगा। ये लो बात करो। हाँ पैसों की बात करो। और तुम क्या करोगे? मैं पैसे पहुंचा के आऊंगा जानू। और जितने पैसे मांगे ना उन्हें दे देना, वो बहुत खतरनाक लोग हैं। हाँ जानू पैसा मेरे पापा जी से बढ़कर नहीं है, अगर मेरे पापा जी को कुछ हो गया तो मैं जिंदगी भर तुम्हें माफ नहीं करूंगा। हेलो जी, क्या 5 लाख? तूने तो मुझे 2 लाख कहे थे। मौजी तो आप तो चुप करें। नहीं नहीं प्लीज, आप मेरे पापा को कुछ मत कहिएगा, मैं कुछ करती हूँ। नबील माँ
जी मेरे पापा किडनैप हो गए और आप बैठ के कीनू खा रही हैं। हाय पुत्र मुझे टेंशन में ना बड़ी भूख लगती है। आपको किस बात की टेंशन है माँ जी? पुत्र तूने मुझे 2 लाख क्यों बताए हैं? हालांकि उसने तो 5 लाख रुपए मांगे हैं। माँ जी ओहो तुम किन्नू खाओ। अच्छा जी नबील अब 5 लाख रुपए कहाँ से आएंगे? जानू तुम्हारे पापा के पास 5 लाख रुपए भी नहीं होंगे। नबील पापा के पास है ना, मेरे पास कहाँ से आएंगे? कितने जाहिल लोग हैं, पापा को किडनैप करके बेटी से पैसे मांग रहे हैं। भाई बेटी को किडनैप करना चाहिए था और बाप से पैसे मांगते हैं। सारा प्लान गलत था। मैं बोल साहब पता नहीं पापा के साथ क्या कर रहे होंगे वो। जानू ज्यादा से ज्यादा फुटबॉल खेल रहे होंगे। अबे क्या कर रहा है उस्ताद? पैसे गुदगुदी कर रहा हूँ लेकिन ये रो क्यों रहा है? अबे तुझे सही तरह नहीं आती, हट जा मैं करता हूँ। हाँ यार तू सही कह रहा है उस्ताद, मुझे तो उसकी सेटिंग आउट लगती है। हो सकता है गुदगुदी करने से रोता हूँ और मार खाने से हंसता हूँ। सही कह रहा है मेरे यार, इसकी कुट लगाते हैं। जानू उनका फोन आ रहा है। तो बात करो ना। मैं क्या बात करूं? उनसे कौन नहीं है 5 लाख रुपए देने के लिए? वो पापा जी को मार देंगे जानू। तो मैं कहां से लाऊं 5 लाख रुपए? महमूद साहब आपके पास है 5 लाख रुपए? अरे मेरे पास तो 5 रुपए का सिक्का भी नहीं है कि मैं टॉस कर सकूं। अरे यार नबील तुम फोन उठाकर वो कह क्यों नहीं देते जो खूबसूरत कह रही है? ठीक है महमूद साहब। हेलो अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाईजान? सब खैरियत है ना? कोई टेंशन तो नहीं है? सब कुछ वैसे ही चल रहा है ना जैसा कहा था? भाईजान बस एक छोटा सा मसला हो गया है। वो क्या भाईजान? भाई पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा। क्या? लेकिन आपने तो कहा था कि पैसे मिल जाएंगे। देखिए कहा तो था लेकिन इंतजाम हो नहीं रहा। आप समझने की कोशिश करें ना यार। समझने की कोशिश तो आप करें, ये ज्यादती हमारे साथ ना करें। हम इन्हें ट्रक पे लेके आए, रिक्शा में तो ये आप ही नहीं रहते। ट्रक वाले ने पूरे 2000 रुपए लिए। 2000 रुपए में तो हम अपना पूरा महीना काट लेते हैं। और नहीं तो क्या? देखें आप ना पापा जी को छोड़ दे प्लीज प्लीज, क्योंकि हम फंस गए हैं। ऐसी बातें ना करो भाईजान, मैंने तो अपनी बच्ची से लोन का सूट दिलाने का वादा कर लिया था। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ भाई। अबे रो क्यों रहा है? उस्ताद जी लोग कह रहे पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा। अबे उसने खुद ही तो कहा था कि 5 लाख रुपए मांगना, 50,000 रुपए वो हमें दे दे। पता नहीं उस्ताद लेकिन अब वो मना कर रहा है। अबे उसकी ऐसी की तैसी। दर्द फोन। अबे मेरी बात ध्यान से सुन, चुपचाप हमारे पैसे दे दे वरना तेरे सुसर को बता देंगे कि इस पूरे अगवा की साजिश में तेरा ही हाथ है। समझा ना नबील? हेलो हेलो महमूद साहब आप बात कर रहे हैं? मुझे ना ठीक से आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ क्या हुआ बेटा? अबे ओ बुड्ढे सीधे तरीके से हमारे 50,000 रुपए दे दो। अपने पैसे तुम लो ना लो तुम्हारी मर्जी। नबील वो कह रहे हैं हमने तुम्ही से बात करनी है। हेलो हेलो भाईजान आप परेशान मत हो, हम कुछ करते हैं। क्या कहा उस्ताद? अबे वो कह रहे कुछ कर रहे हैं, फिकर नहीं कर, कर रहे हैं। नबील तुम पापा को छुड़ाने की बात कर रहे थे या किडनैपर्स को? क्यों जानू? तुम उनसे ये क्यों कह रहे थे कि आप परेशान ना हो हम कुछ करते हैं? जानू अभी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम ये बताओ तुम्हारे पास कितने पैसे है? कोई 25-30 हजार। ठीक है महमूद साहब 25-30 हजार का आप इंतजाम करें, बाकी 4.5 लाख रुपया मैं अपनी जेब से डालता हूँ। वो जो तुम अपनी जेब से डालोगे वो 4.5 लाख रुपए होंगे? जी मैं मुसाब जाए उठे। अच्छा जी जाए। आओ यार आओ मोमो। अच्छा मोमो मोमो तुम्हारे पास जितने पैसे हैं निकालो। तो आप मेरे सर पे पिस्तौल तो रखे पहले। अरे यार ये मजाक का वक्त नहीं है, किडनैपर्स को पैसे देने हैं। नहीं तो मैं पैसे क्यों दूं हैं? अगर तुम्हें अपने सुहाग को बचाना है तो पैसे देने होंगे। हाय वो मेरे शौहर है, मैं तो आज तक आपको अपना वो समझती रही। अरे मैं ही तुम्हारा वो हूँ। हाय तो फिर मेरा सुहाग कौन है? मैं ही हूँ मोमो, और मुझे अपनी जान बचाने के लिए पैसे चाहिए। उन्होंने आपको किडनैप कर लिया है। अरे नहीं मोमो, उन्होंने हमें धमकी दी है कि अगर हमने उन्हें पैसे नहीं दिए तो वो सूरत के पापा को बता देंगे कि हमने ही उन्हें किडनैप करवाया है। जल्दी से पैसे निकालो। अभी देती हूँ फीस। फीस नहीं पैसे। हाँ क्या हुआ? कोई टेंशन? अबे मैं ये सोच रहा हूँ
कि अगर उन लोगों ने पैसे नहीं दिए तो क्या करेंगे? करना क्या है उस्ताद, इस मोटे को मार देंगे। अबे कैसे मारेंगे, हमारे पास तो असली पिस्तौल भी नहीं है। अरे उस्ताद, इस मोटे को 2-3 घंटे खाने को नहीं देंगे तो खुद ही मर जाएगा। और इसे मार के करेंगे क्या? अरे उस्ताद, इस पे टिकट लगा देते हैं या सिर्फ बेच देते हैं, मरने के बाद 1-2 लाख का तो बिक ही जाएगा। अबे पागल हो गया, कैसे बिकेगा ये? अरे उस्ताद याद नहीं, वो जो मुर्दा व्हेल साहिल से पकड़ी थी? हाँ हाँ, मैं तो खुद देखने गया था उसे, वो भी 5-6 लाख की बिकी थी। अरे यार, इसे भी कोई ना कोई खरीद लेगा। ये बात तो है, लेकिन यार ये लोग अब तक आए क्यों नहीं? मत रो, मैं तुम्हारे पापा को ले गया हूँ। तुम रो लो मोमो, मैं पता नहीं वापस आऊंगा या नहीं आऊंगा। चलो नबील, चले मैं वो साहब पूरे है ना पूरे। यार मैंने आपका नाम कब लिया है? यार ये ले भाई, क्या 5 लाख का चेक लाया है? नहीं जी, सिर्फ 50,000 का इंतजाम हुआ है। ठीक है, लेकिन उस्ताद हम इन लोगों को 4.5 लाख रुपए कहाँ से देंगे? हमें नहीं चाहिए। नहीं, ये क्या बात हुई, हमारी तो डील हुई थी ना, आपने भी तो हमारे 50,000 रुपए दिए, हम भी आपके 4.5 लाख रुपए देंगे। अबे देंगे कहाँ से? तो फिर ठीक है, आप भी अपने पैसे रख लें। अबे तू मेरा आदमी है या उनका? सॉरी उस्ताद। चल अपना काम हो गया, निकल ले यहाँ से। पापा जी आप ठीक तो है ना? अरे नबील, इनको की खुजली तो नहीं हो रही? महमूसा, इनको जो हो रही है वो खुजली है शायद। अरे लेकिन ये बोल क्यों नहीं रहे? महमूसा मुझे लगता है उन्होंने पापा जी की जबान काट दी है। इसका मतलब है अब ये पूरी तरह बेजुबान जानवर हो गए। महमूसा आए, पापा जी को खोलते हैं। अरे ध्यान से कहीं टक्कर ना मार दे। ठीक है महमूसा, चल पापा जी, पापा जी को खोले, आप रस्सी खोले, मैं पापा जी का ये करता हूँ, थ्रेडिंग होगी इससे। हमने अपनी जान पे खेल के आपको बचाया है। हाँ, और ये आइडिया मैंने नबील को दिया था। बकवास बंद करो, मुझे पता चल गया कि तुम लोगों ने मुझे अगवा कराया था। क्या, आपको कैसे पता चला? वो लोग मेरे सामने ही तुम लोगों से फोन पे बात कर रहे थे। नबील मेरा ख्याल है मैं घर चलता हूँ। अब तुम लोग घर नहीं जेल जाओगे। महमूद साहब, पापा जी को छुड़ाने का आइडिया भी आपका था ना? हाँ बिल्कुल मेरा था। और आपको कौन छुड़ाएगा मुझसे? आ जाओ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल।